हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और ज़बरदस्त जॉब की अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है ITBP की तरफ से, वेटनरी स्टाफ की वैकेंसी 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ये भर्ती रहेगी। देखिए, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए बोथ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती रहेगी। आगे बताऊंगी कंप्लीट डिटेल्स इस पोस्ट के रिगार्डिंग, लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो वो अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, बाकी की सभी अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट आपका 128 यानी 128 रहने वाला है। इसके लिए जो अप्लाई करने का डेट है 12 अगस्त से 10 सितंबर रहेगा, मतलब कि बहुत जल्दी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको लास्ट तिथि का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। जैसे ही ऑनलाइन होगा फॉर्म भर दीजिएगा। देखिए, फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लगता है, जनरल OBC और EWS 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया, और अदर जो भी कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल्स 0 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। एज की लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर दो तरह के पोस्ट है, तो दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किस डेट के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ना, यानी कि 10th of September 2024, 10 सितंबर 2024 के अनुसार कॉन्स्टेबल ट्रांसपोर्ट के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष एंड कॉन्स्टेबल केनल मैन के लिए 18 to 27 ईयर्स, मतलब कि एक पोस्ट के लिए आपका मैक्सिमम 25 वर्ष है और दूसरे के लिए आपका दो पोस्ट के लिए 27 वर्ष। आपको पता है कि जो अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। तो ये था आपका एज का लिमिट। अब जानेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, क्वालिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी 10th pass out कैंडिडेट है, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, डजेंट मैटर आपका 10th में क्या परसेंटेज है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कर रखे हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। रही बात कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका चयन होगा। देखिए, एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द फिजिकल, जिसमें PET और PST होता है, मतलब कि टोटल 4 स्टेज है। पहले स्टेज पर आपका फिजिकल ही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एग्जाम फिजिकल के बाद होगा और फिजिकल में आपका PET और PST दोनों होगा, मतलब कि रनिंग भी होगा और आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो भी होगा। तो फर्स्ट स्टेज पे फिजिकल क्वालिफाई कर लिया आपने, एग्जाम भी दे लिया, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, उसके बाद सिंपल सा मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम लिख दिया जाता है, जी हाँ, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज दिया जाता है। तो चलिए जाने ज्वाइनिंग लेटर तक के प्रोसेस को इन डिटेल वे। देखिए फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर जो फिजिकल होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले तो आपका PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मापदंड जो होता है वो पहले आपका कर लिया जाता है। हाइट मेजर किया जाता है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है मिनिमम हाइट, और जो आपका ST कैटेगरी के मेल होंगे उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल्स की बात करें तो 157 सेंटीमीटर है और ST कैटेगरी वालों के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 80 to 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, और ST कैटेगरी वालों के लिए 76 to 81, यानी इसमें भी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, आपके शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब रनिंग होती है, दौड़ कराया जाता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर का रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए, उनको कंप्लीट करना है 7 मिनट 30 सेकंड में। फीमेल्स यानी महिला कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी और उनको 4 मिनट 45 सेकंड, मतलब 800 मीटर की दौड़ महिला कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। लास्टली आपका लॉन्ग जंप हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप है 11 फीट फॉर मेल कैंडिडेट, 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद लास्टली क्या है, हाई जंप
3.5 फीट मतलब 3.5 फीट का रहेगा आपको मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट हो जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है जिसमें क्वालिफाई होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए। टाइम जो होता है ना 2 आवर्स का यानी 2 घंटे का रहेगा और देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके तहत मैं ये समझ नहीं पाया कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आता है कि आपका परीक्षा OMR पर होगा या फिर कंप्यूटर पर होगा तो मैं इसको अपडेट आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल इतना जानिए कि आपका एग्जाम होगा या तो कंप्यूटर पर या ऑफलाइन हो सकता है। पैटर्न क्या है ये जानना जरूरी होता है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चाहे कंप्यूटर पे परीक्षा ले या कोई पेपर पे आप पास कर ही जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क, समय 2 घंटे का है और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य अध्ययन आपका जो होता है जीके जीएस करेंट अफेयर्स है, 25 यानी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स यानी कि गणित से भी आपको 25 क्वेश्चन होंगे एंड रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। लास्टली आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। देखिए इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को इंग्लिश आता होगा और सभी को हिंदी आता होगा। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं दोनों में से कोई एक विषय। अगर इंग्लिश लेंगे तो उसका 25 प्रश्न और अगर हिंदी लेंगे तो उसका 25 प्रश्न। तो ये ओवरऑल आपका एग्जाम का पैटर्न है जिसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तब आप ज्वाइन करेंगे। और देखिए ये ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब लोकेशन होगा। ITBP आपको जहां जहां पर भी एलोकेट करेगी वहां पर आपको अपना सर्विस देना होगा। सर्विस के दौरान सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। चलिए मैं बता देती हूँ, ये आपका लेवल 7 का सैलरी होता है 25,500 रुपीज़, मतलब 25,500 से शुरुआत होती है। 26,000 मान के चलिए कि 30-35,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, बाद में सैलरी बढ़ा के 81,100 मतलब कि आपका 85,000-90,000 तक सैलरी बढ़ा के कर दिया जाता है। तो ये मौका बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपसे कुछ वैसा एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, कुछ स्किल वगैरह का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th pass out बच्चों के लिए वैकेंसी रहेगी। आई होप कि पोस्ट के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ पूछना है तो टेंशन नहीं लीजिए, कमेंट सेक्शन है, कमेंट करिए, वहां पर आपके क्वेरी को सॉल्व कर दी जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट को लेके, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।